सो हे गाइस, जैसे आप सबको पता है, डॉक्टर प्रियंका रेड्डी का जो चारों एक्यूज थे उन लोगों को पुलिस एनकाउंटर करके मार दिया गया है आज ही सुबह। तो आज एक बहुत ही खुशखबरी है ये, क्योंकि इतना इंस्टेंट जो रिजल्ट, मतलब अब रविवार को सज़ा शायद आप लोगों ने खूब कम ही सुना है, मैं भी बहुत ही कम सुना है, इतना जल्दी इंसाफ मिल जाता है। लेकिन लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये कितना सही है कितना गलत है मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। कुछ आप लोगों को एग्जाम्पल दूंगा जो पिछले ऐसा हुआ था जो कि गलत साबित हुआ बाद में। तो शायद आप लोगों को इस वीडियो में मेरे कुछ बात आप लोगों को अच्छा ना लगे या फिर अच्छा लगे, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा तो जो मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा। बीच में छोड़ देंगे तो आपको शायद नेगेटिव एक फीडबैक मिल जाएगा, तो ज़रूर देखिएगा एंड तक। डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के साथ जो जो हुआ बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही मतलब क्या बोलो, शब्द नहीं ऐसे कैसे एक्सप्रेस करूँ। तो इसके ऊपर मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाया था क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं आता, लेकिन ये जो वीडियो बनाया, जो एनकाउंटर हुआ उसके ऊपर थोड़ा सा आप लोगों को मतलब जो मुझे लग रहा है और जो कि मतलब पास में हुआ भी था लाइफ, कुछ एग्जाम्पल दो केस के बारे में बताऊँगा, वही आप लोगों के साथ दिखा के मैं मतलब आप लोगों का राय जानना चाहूँगा कि कितना सही है कितना गलत है। देखिए ऑब्वियसली चारों को मार दिया गया, बहुत ही अच्छी बात। सुबह ही शायद पुलिस चारों लोगों को लेके गया था उसमें, मतलब रिक्रिएट करने के लिए वो सीन। तो उसमें से शायद जो लड़का दो लड़का पुलिस का गन लेके शूट करने लगा, लेकिन पुलिस ने जो है मतलब उन लोगों को अलर्ट किया, सरेंडर करने के लिए भी बोला, लेकिन यही किया तो पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में शूट किया, एनकाउंटर में उन लोगों को मार दिया गया, जो कि एकदम एनकाउंटर का जो अगर डेफिनेशन बोले उसके हिसाब से ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आज ये पुलिस ने भी ऐसा ही बताया। इसके बाद जो हैदराबाद पुलिस को बहुत ही मतलब सराखों पर बिठाया गया है, उन लोगों का बहुत ही मतलब प्रशंसा किया गया है, जो कि मैं बोल रहा हूँ वो लोग हकदार है ऐसा, क्योंकि इतना क्विक स्टेप कोई मतलब आज तक मैंने नहीं देखा। बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि जो घिनौना हरकत उन लोगों ने किया है उन लोगों को ऐसा सज़ा ज़रूर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे आप दो शब्दों को समझिए, एक होता है एक्यूज्ड, एक होता है कन्विक्ट। जो अभी चार अपराधी थे वो लोग एक्यूज थे, मतलब वो लोग ही किए हैं ये रेप, मतलब पुलिस के पास ऐसा है मतलब प्रूफ, पूरी डिटेल्स नहीं है, कोर्ट में जाके ही प्रूव होगा तभी तो वो लोग कन्विक्ट होंगे, ठीक है। क्योंकि ये अभी टेम्पोरल, मतलब ये सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। कैसे मैं बता रहा हूँ, देखिए आप लोगों को शायद याद होगा 2017 में एक केस था जो गुड़गांव में एक स्कूल पे एक क्लास 7 स्टूडेंट का बच्चे का एक टॉयलेट पे शायद उनका लाश मिला था, जिसके शख्स में एक बस कंडक्टर को गिरफ्तार किया गया था। आप लोग शायद याद आएगा अगर आप लोग न्यूज़ फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ भी मतलब सीबीआई के पास फिर से वो मतलब जो केस है गया, तो सीबीआई ने प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन करके देखा कि जो क्लास 11 का एक बच्चा था उसने ही उस बच्चे को मारा था। तो आप समझ सकते हैं पुलिस कभी कभी मतलब हड़बड़े में या फिर प्रेशर में आके कुछ एक जल्दी से लेपापट्टी करने के लिए एक फेक किसी को बना लेता है। और उस केस में भी है, जो बस कंडक्टर को गिरफ्तार किया गया था उन्होंने पुलिस को सामने मान भी लिया था कि बच्चे का मर्डर जो है उन्होंने ही किया था, लेकिन इससे प्रूफ नहीं होता कि वही अपराधी है, क्योंकि प्रूफ एक्चुअली कोर्ट में होता है, जो कि भारत की न्याय बोलती है। देखिए भारत का न्याय भी बोलता है कि किसी एक बेकसूर को सज़ा मिलने से बेहतर है 2 गुनाहगारों को मतलब छोड़ दिया जाए। अगर अभी डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के केस के बारे में बताओ, देखिए ये चारों लोग शायद इन्वॉल्व है, लेकिन ये भी तो हो सकता है चारों के अलावा और 2 लोग थे 3 लोग थे, या फिर चारों में से कोई एक है जो शायद उसमें इन्वॉल्व नहीं था लेकिन तीनों का दोस्त है इसलिए उसे भी पकड़ के ले आए, हो सकता है, क्योंकि प्रॉपरली से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया, फुल प्रोसेस फॉलो नहीं किया, जो लॉ है उसे फॉलो नहीं किया गया है, कोर्ट में उन लोगों को ऐसा प्रूव नहीं किया गया है, क्योंकि कोर्ट का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है जिससे प्रूव होता है कि हाँ कन्फर्म होता है ये चारों या फिर ये 5 कन्विक्ट है, इन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। मेरे हिसाब से ऐसे काम करने वाले को एनकाउंटर या फांसी नहीं, उससे भी अगर कोई बुरी सज़ा है तो वो देनी चाहिए, लेकिन जो अपराध प्रूफ होने के बाद ही, कन्विक्ट होने के बाद ही ऐसा होना चाहिए, क्योंकि किसी बे अगर उस एनकाउंटर में किसी एक बेगुनाह की हत्या हो गई तो क्या हो सकता, मतलब उसका कुछ नहीं होगा क्या, मतलब ये भी तो हो सकता है कोई है इसमें इन लोगों में, या फिर वो जो अपराधी है वो लोग अभी बाहर ही घूम रहे, ऐसा भी हो सकता है। फुल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, थोड़ा टाइम लेके से ये अभी एक्चुअली लोहा गर्म था इसलिए मार दिया, तो सभी लोग बोल रहे हैं बहुत ही अच्छा किया है पुलिस ने, ठीक है ना। तो इसी मौके का फ़ायदा लिया और प्रेशर था पुलिस के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, तो इसके लिए इससे मतलब इतना तो पुलिस ने इतना जल्दी इसने एक्शन लिया, लेकिन जल्दबाजी में ही अक्सर गलत चीज़ें हो जाती है। तो अभी देखते हैं इसे क्या होता है आगे, कोई इन्वेस्टिगेशन तो इसका अभी भी चलेगा, क्योंकि और कोई अपराध इन्वॉल्व है इस केस में भी इन्वेस्टिगेशन चलेगा, लेकिन मेरा प्रॉब्लम यही है कि चारों में से अगर कोई बेगुनाह निकला
तो उनका क्या होगा। मैं आप लोगों को और एक केस के बारे में बताता हूँ, वो है छत्तीसगढ़ में, जहाँ पे 17 माओवादी समझ के उन लोगों को मार दिया गया था, उनमें से 6 बच्चे भी थे। तो उस एनकाउंटर के बाद गांव वालों ने बोला ये ऐसा नहीं था, तो उसके बाद तुरंत एक कमेटी बिठाई गई थी, इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसके बाद पता चला है कि जो 17 थे 17 में से सभी लोग मतलब माओवादी नहीं थे, उनमें से बहुत सारे गांव वाले के मतलब नॉर्मल लोग थे, उनके पास कोई हथियार भी नहीं थे। तो ऑब्वियस देखिए, ये दो केस जब समझ सकते हैं, जल्दबाजी में प्रेशर में आके अगर ऐसा कुछ फेक एनकाउंटर किया जाता है तो उससे गलत ही डिसीजन लेता है। तो प्रॉब्लम यही है इस केस में, कितना सही है कितना गलत है, क्योंकि फुल्ली इन्वेस्टिगेशन बहुत ही ज़रूरी है। तो प्रियंका रेड्डी को इंसाफ मिला है, रेस्ट इन पीस प्रियंका रेड्डी, और हम सबको इस सतर्क अलर्ट होना चाहिए जितने भी लड़के हैं ऐसे काम से दूर रहने के लिए, स्पेशली लड़कों से किसी भी तरीके का। देखिए फेस टू फेस हो, कमेंट हो, अभी सोशल मीडिया का ज़माना, फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम कहीं पे भी लड़कियों के बारे में गंदे कमेंट मत कीजिए, इसके मतलब उसमें मतलब जो लड़की है उसको मेंटली बहुत ही ज़्यादा प्रेशर जाता है, सामने हो तो मॉकिंग मत कीजिए, सब बुरी चीज़ है, इससे ही एक्चुअली आपका मेंटलिटी ग्रोथ होता है और फ्यूचर में खराब मतलब बुरी स्टेप लेने जाते हैं आप।